और बड़ी खबर शुरू करेंगे रायपुर से मिल रही है, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स के रिजाइन का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर एक दर्जन से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स रिजाइन देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले 15 जूनियर डॉक्टर्स ने रिजाइन दिया था और अब फिर से दाऊद कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के एक दर्जन जूनियर डॉक्टर रिजाइन देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि इंटर्न डॉक्टरों को जूनियर डॉक्टर में भर्ती के आदेश के बाद भी ज्वाइनिंग की स्थिति साफ नहीं हुई है, जिससे वो नाराज हैं। एक दर्जन जूनियर डॉक्टर्स का आज इस्तीफा हो सकता है। 15 जूनियर डॉक्टर्स इससे पहले इस्तीफा दे चुके हैं। दाऊद कल्याण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का ये पूरा मामला है। ज्वाइनिंग की स्थिति साफ नहीं होने के चलते जूनियर डॉक्टर नाराज हैं। सुरक्षा किट और वेतन नहीं मिलने से भी नाराज हैं। सत्या राजपूत, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्या, 15 डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स इस्तीफा देंगे, इस दरमियान जब कोरोना काल से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, तो फिर कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकेगा? हालांकि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी बात भी जायज है, जब वेतन नहीं मिलेगा, परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तो भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगातार शिकायतें आ रही हैं। और जो मेडिकल स्टाफ है, जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, वो कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। तो जैसे तैसे करके समझौता किया गया था, लेकिन इस बार क्या है, डॉक्टर और नर्स लगातार कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इसको देखते हुए ये लोग अपनी मांग किए थे, सुरक्षा की मांग किए थे, कोरोना से लेकर जो किट की मांग कर रहे थे उनको नहीं मिल पा रहा है। और इनका जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि जो सरकार ने आदेश निकाला था कोरोना काल में, जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, जितने भी इंटर्न हैं, उनको जूनियर डॉक्टर में प्रमोट किया जाए, और इसको करने के बाद भी अभी तक स्थिति साफ नहीं है और ना ही उनको वेतन मिला है। देखिए, ये पूरा मेडिकल कॉलेज का मामला है। डीकेएस हॉस्पिटल के एक दो है, लेकिन ये पूरा मेडिकल कॉलेज, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज का यही स्थिति है। और आज फिर लगभग 350 जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, आज इस्तीफा देने की बात कही है। कल 15 डॉक्टर दे चुके हैं, तो इस तरह स्थिति गंभीर हो जाएगी। और साथ में उन्होंने कहा कि जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो हमारे हौसले बुलंद करते हैं, जिनके इरादे, जिनके हम बताए हुए अनुसार चलते हैं, वो लोग अनुपस्थित रहते हैं और हम लोगों को ही सिर्फ एक काम में लगाया जा रहा है और ना ही हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह तमाम सवाल उठ रहे हैं। और प्रदेश में एस्मा लगा हुआ है, तो एस्मा लगने के कारण अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुए, हालांकि ये लोग रिजाइन के लिए आवेदन दिए हैं। तो हम इसको लेकर डीन विष्णुदास से बात किया, रायपुर मेडिकल कॉलेज के जो डीन है उनसे हमने बात किया, तो उनने कहा है कि यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर वो आए थे, अपनी समस्या रखे हैं और अपना जो है रिजाइन का आवेदन दिए हैं, लेकिन एस्मा लगने के कारण उनका रिजाइन अब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। शुक्रिया सत्या जानकारी के लिए।